यत्तेजसाहं सुषमींदतेजः हव्यं वहेष्वद्वर आज्यसिक्तम् तं यज्ञं यं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्विष्टं यजुर्भिर्प्रणतोऽस्मि यज्ञम् भाषांतर और भावार्थ भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित यज्ञ के समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त द्रुत मिश्रित आहुतियाँ स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित पांच प्रकार की हवियाँ आपकी ही विभिन्न शक्तियाँ हैं और आपकी पूजा पांच प्रकार के वैदिक मंत्रों से की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान हैं। तात्पर्य, भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान विष्णु ही के लिए यज्ञ करने चाहिए। विष्णु के विख्यात 1000 दिव्य नाम है, जिनमें से एक नाम है यज्ञ। यह स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया जाए। मनुष्य द्वारा किए गए अन्य सारे कार्य उसके संबंध के कारण बनते हैं। सबों को वैदिक मंत्रों के अनुसार यज्ञ करने होते हैं। उपनिषदों में बताया गया है कि अज्ञ, वेदी, शुभ पूर्ण चंद्र, चातुर्मास, बलिपशु तथा सोम ये आवश्यक वस्तुएं हैं। जिस तरह वेदों में वर्णित विशिष्ट मंत्र हैं जो 4 अक्षरों से निर्मित होते हैं, एक मंत्र इस प्रकार है, आश्रावयेति चतुराक्षरम अस्तु श्रोषदिति चतुरक्षरम यजेति द्वाभ्याम ये यजामः। ये मंत्र श्रुति तथा स्मृति के अनुसार उच्चरित होकर मात्र भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। जो लोग भौतिक रूप से बद्ध हैं और भौतिक सुख के प्रति आसक्त हैं, उनके मोक्ष के लिए यज्ञ करना तथा वर्णाश्रम धर्म तथा आध्यात्मिक जीवन का पालन आवश्यक बनाया गया है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु के लिए यज्ञ करने से मनुष्य धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। अतः जीवन का सारा लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, यही यज्ञ है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है वह अपना जीवन कृष्ण को, जो समस्त विष्णु रूपों के मूल हैं, प्रसन्न करने में लगा देता है और नित्य पूजा करके तथा प्रसाद चढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन जाता है। प्रसाद चढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन जाता है और नित्य पूजा करके तथा प्रसाद चढ़ाकर सर्वश्रेष्ठ यज्ञकर्ता बन जाता है। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया कि इस कलयुग में एकमात्र यज्ञ तो यज्ञ संकीर्तन प्रायर है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ यज्ञ तो केवल हरे कृष्ण। हरे मंत्र का कीर्तन है। यह यज्ञ भगवान चैतन्य के चित्र अर्थात स्वरूप के समक्ष किया जाता है। जिस तरह अन्य यज्ञ भगवान विष्णु के अर्च विग्रह के समक्ष किए जाते हैं, ये स्तुतियां
श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में दी हुई है। साथ ही इस यज्ञ से इसकी पुष्टि होती है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं विष्णु है। जिस प्रकार बहुत पहले भगवान विष्णु दक्ष के यज्ञ में प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस युग में हमारे संकीर्तन यज्ञ को स्वीकार करने के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य महाप्रभु तापत्रयम् यद्भवति स्वयं श्री अग्निदेव ने कहा, हे भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि आपकी ही कृपा से मैं प्रज्वलित अग्नि में समान तेजस्वी हूँ और मैं यज्ञ में प्रदत्त द्रुत मिश्री साहुतियाँ स्वीकार करता हूँ। यजुर्वेद में वर्णित 5 प्रकार की हवियाँ आपकी ही विभिन्न शक्तियाँ हैं और आपकी पूजा 5 प्रकार के वैदिक मंत्रों से ही की जाती है। यज्ञ का अर्थ ही आप अर्थात परम भगवान हैं। चैतन्य देव अपीयर हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु की नमो। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी यज्ञ पुरुष श्री विष्णु है। यज्ञार्थे कर्माणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। वेरी गुड, शाबाश। यज्ञ कर्म समुद्भव अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव। शाबाश। यज्ञ कर्म समुद्भव और सबसे बड़ा कर्म है, कर्म से यज्ञ पैदा होता है। सबसे बड़ा कर्म क्या है? सबसे बड़ा कर्म है तस्य देव सेवा, कृष्ण की सेवा। गीता महात्म्य गेयम गीत देव की पुत्रम एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि। कर्म भी एकम तस्य देव सेवा, कर्म एक और वो देव की पुत्र की सेवा। यज्ञ कर्म समुद्भव, कर्म से यज्ञ और सबसे श्रेष्ठ कर्म क्या? कर्म ही एकम तस्य देव सेवा, कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्म है। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि सेवा की शुरुआत होती है जीभ और मुंह से। सेवन मुखे है जिह्वा दो स्वयमेव स्फुरत्य द अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिन्द्रिय। सेवा की शुरुआत होती है जीभ से और मुंह से, और जीभ से और मुंह से यज्ञ कौन सा करना है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। यज्ञ कर्म समुद्भव है और कर्म भी एकम तस्य देव सेवा, देव की पुत्र सेवा। और सेवा की शुरुआत होती है जीभ और मुंह। आदो आदो मीन शुरुआत। सेवन मुखे है जिह्वा दो आदो आदो गुरु पाद आश्रय। शुरुआत में सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना चाहिए। आदो गुरु पाद आदो गुरु पाद आश्रय आदो शुरुआत। सेवन मुखे है जिह्वा दो आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया एक्सेट्रा। आदो आदो श्रद्धा, सबसे पहली श्रद्धा होनी चाहिए। आदो मीन्स
पहला सबसे पहली चीज तो सेवन मुख्य है जीवादौ, सबसे पहला सेवा, सबसे ऊंची सेवा जीवा और मुंह, सेवन मुख्य है जीवादौ। भगवान का नाम जप यज्ञ। तो प्रभुपाद इस श्लोक के अंत के तात्पर्य में कहते हैं एक कलयुग में यज्ञ है हरि नाम संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंत सुमेधशा कृष्ण वर्णम त्रिशाम कृष्ण सांगोपांगस्त पार्षदम। यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंत सुमेधशा, जो बुद्धिमान होगा सुमेधा, सु मेधा, मेधा मीन्स बुद्धिमान और सुमेधा मीन्स कुशाग्र बुद्धि सार्प बुद्धि, सुमेधा सुमेधा कुशाग्र बुद्धि। तो कुशाग्र बुद्धि वाले कलयुग में जो संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं और सिखा रहे हैं, अपनी आचार्य प्रभु शिविर सिखाए संकीर्तन यज्ञ, चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हुए जो चैतन्य महाप्रभु का पोज है, उन मूर्ति की कुशाग्र बुद्धि वाले सेवा करेंगे ऐसे हाथ ऐसे कीर्तन करते हुए। यज्ञ संकीर्तन प्रायर अजंत सुने दिशा कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगो पांगस्त पार्षदम। सांग पांग पार पार्षद के सहित जो संकीर्तन यज्ञ करते होंगे उन भगवान श्री कृष्ण जो तुषा कृष्ण है, गौर कृष्ण है, गोरा भगवान, उनकी उपासना कुशाग्र बुद्धि वाले करेंगे, जो बुद्धिमान है वो करेंगे। और उनकी उपासना कैसे करेंगे, यज्ञ संकीर्तन प्रायर मुख्यतः संकीर्तन यज्ञ से मुख्यतः। तो देखो हमारे आचार्यों ने हमारा कितना समय बचा दिया, हवन करो, आग करो, ये तप करो, वो तीर्थ करो, ये फास्टिंग करो, वो पढ़ो, ये पढ़ो, नीति ध्यासन करो, स्वाध्याय करो, दान करो, कितना। और ये सब चीजें करने में अंत में भगवान कहते हैं मैं साधयति योगो, मैं इससे प्रसन्न नहीं होता। नमाम साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धव न स्वाध्याय तप त्यागो यथा मम भक्ति रुजीता। मैं इन सबों से प्रसन्न नहीं होता, तपो त्यागो संन्यास से, तप से, स्वाध्याय से प्रसन्न नहीं होता, जितना मैं मेरी ऊर्जिता भक्ति शुद्ध भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूँ। और कलयुग में सर्वश्रेष्ठ भक्ति कौन सी है, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साधनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्णा प्रेम दित्य कृष्णादित्य धारे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन नीर अपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। नीर अपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। तो देखो हमारे आचार्यों ने हमारा समय, हमारा हेडेक, हमारा सब कुछ कितना बचा लिया। जस्ट चैट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, कितना समय तप तीरथ दान ध्यान ये वो, सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग हमें बता दिया।
वर्तमान प्रदक्षिका हमें मार्ग बता दिया. सरल एंड सिंपल एंड सब्लाइम. एवरीबडी कैन डू. इवन द डॉग कैन टेक पार्ट इन इट. इवन द डॉग. साक्षात्कार करना, भगवान का साक्षात्कार ध्यान से बहुत कड़ा है, तप से कड़ा है, दान से कड़ा है, सबसे कड़ा है. उनका स्वरूप ध्यान करने में भी कड़ा है. लेकिन नाम ही कृष्ण है, नाम बोलो तो जीव को अनुभव हुआ, साक्षात्कार हुआ भगवान का. नाम ही कृष्ण. कलि काले कृष्ण नाम रूपे अवतार. कलयुग में कृष्ण का नाम रूप अवतार हुआ. तो ये नाम का अनुभव कृष्ण का अनुभव है. नॉन डुअल, एक ही बात. तो नाम ही कृष्ण है. तो नाम का अनुभव कृष्ण का अनुभव. नाम का अनुभव. इवन द डॉग कैन हियर. इवन द डॉग कैन टेक पार्ट. सो नाम का अनुभव डॉग को हुआ. डॉग कुत्ते को भी नाम का अनुभव हुआ. चिड़िया को भी नाम का अनुभव हुआ. कितना सरल. और हम उंडू ते उंडू सोदे रे. नाम तनो विष वासना रखे ने उंडू ते उंडू सोदे रे. जानवी के रा तरंग त्याजी ने पची तट मा जाई ने कूप खोदे रे. तेने घेर सीध जाइए रे. नाम तणो विश्वास. नाम में विश्वास नहीं रखता मूड. और उंडू ते उंडू सोदे रे. ये सोत खोड़ वो सोत वो बाबा वो बापू. भटकते रहते हैं, लटकते रहते हैं लोग. नाम में विश्वास नहीं. नाम तणो विश्वास न राखे ने उंडू ते उंडू सोदे रे. जानवी केरा तरंग त्याजी ने तटमा जई ने कूप खोदे रे. जानवी गंगा का अंदर प्रवेश करके स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए. जानवी के रे तरंग. जानवी के तरंगों में स्नान कर लेना चाहिए. मूड क्या करता है. तट में जई ने कूप खोदे. तट में जाएगा, तट पर जाएगा, कुआं खोदेगा, बाद में कुएं के पानी से स्नान करेगा. कितना मूड लोग ताप और ये बाबा ये बापू और पूरा चरण यो आग हवन और ये जड़ी बुट्टी एंड वो जड़ी बुट्टी. गलत बात है. हमारे आचार्य ने कितना सिंपल करके दिखाया. और मैं आपको सारा सिनेरियो कह रहा हूँ. ऐसा नहीं कि ये श्लोक से हम ऑफ ट्रैक हैं. अग्निदेव प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आप ही यज्ञ हो. आखिरी सेंटेंस है कि आप ही अर्थात परम भगवान. यज्ञ का अर्थ है आप अर्थात परम भगवान. तो यज्ञ संकीर्तन प्राय. कितना सिंपल करके दिया. तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन. नीर अपराध नाम लेने कंडीशन लगाए. नीर अपराध. नीर अपराध इनको बोलते हैं शुद्ध नाम. शुद्ध नाम का अर्थ है अपराध के बिना जो नाम लिया जाए. नीर अपराधी नाम ले ले पाए प्रेम धन. तो अपराध है सबसे पहला और सबसे खतरनाक अपराध. उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने नाम प्रभु के प्रचार में अपना जीवन समर्पित किया. नाम प्रभु के लिए जिनने जीवन समर्पित किया है इसलिए नाम प्रभु को वो भक्त अतिशय प्रिय है. आप मेरे लिए 24 घंटा काम करो और आप मुझे प्रिय न बनो, ये नहीं हो सकता. नाम प्रभु का प्रचार करने वाला भक्त
नाम प्रभु को अतिशय प्रिय है, इसलिए भक्त का अपराध नाम ले लेगा। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, छोटा बच्चा है, उनकी माँ है, छोटे बच्चे का आप कुछ अपराध करोगे तो तुरंत माँ आग बबूला हो जाएगी। अपराध आपने माँ का नहीं किया, माँ का अपराध नहीं किया, लेकिन बच्चा माँ को अतिशय प्रिय है, इसलिए बच्चे का अपराध माँ तुरंत ले लेगी। इसलिए नाम प्रभु को, भक्त जो नाम प्रभु का प्रचार कर रहा है अतिशय प्रिय है, इसलिए भक्त का अपराध नाम अपराध ले लेगा, नाम प्रभु अपराध ले लेगा। सरल बात है, कोई वेद बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु इनको मैड एलिफेंट ऑफेंस कहते, हाथी मत अपराध, इसलिए कि नाम प्रभु को वो भक्त अतिशय प्रिय है जो नाम का प्रचार करता है, और वो भक्त का अपराध हम करेंगे, यू आर फिनिश्ड, टोटली फिनिश्ड, नो होप, देयर इज नो होप। उल्टा हो रहा है, आप हवन के लिए आग प्रगटा रहे हो और घी के बावजूद पानी डाल रहे, कभी आग नहीं, पानी डाल रहे, नाम हरे कृष्ण कर रहे हैं हम, और इन वैष्णव का अपराध, वो वैष्णव का अपराध, और इनमें ही हमारा सारा भक्ति जीवन चला जाता है। उनने ये कहा, उनने ये किया, उनने ये नहीं किया, उनने बस यही हमारा न्यूज़पेपर, यही न्यूज़पेपर, नन ऑफ आवर बिजनेस। वो भक्त के ऊपर जो भक्त हैं, जो उनका इंचार्ज है, उनका गुरु है, उनके ऊपर छोड़ो। अगर गुरु जीबीसी सब ओवरलुक कर ले तो माया नहीं छोड़ेगी उनको, माया नहीं छोड़ेगी, क्योंकि भक्त का अपराध किया हमने, भगवान ने अपराध लिया है, इसलिए भगवान माया के माध्यम से उनको नहीं छोड़ेगी। उनकी भक्ति सत्यानाश, भक्ति नहीं, भक्ति नहीं, महारौरव श्लोक स्कंद पुराण आई थिंक, वो महारौरव में जाएगा, महारौरव जहाँ एक इंच जगह में हजारों रौरव नाम के कीड़े उनको काटते हैं सारे शरीर पर, महारौरव, आई फॉरगॉट दैट श्लोक, नाम अपराध, वैष्णव नाम अपराध का ही श्लोक है, एक्सटेंशन अदर, छह वैष्णव अपराध है, हंती निंदती वैद्वेष्टि वैष्णवाना अभिनंदती क्रंदती उपजायते न हर्षम दर्शने पतनानि सत्। ये छह वैष्णव अपराध जो अल्टीमेटली नाम अपराध है, वैष्णव को मार पिटाई करना, हंती निंदती वैष्णव की निंदा चुगली, द्वेष करना, निंदती वैद्वेष्टी द्वेष करना, अंति निंदती वैद्वेष्टी वैष्णवाना अभिनंदती, वैष्णव का अभिनंदन नहीं करना, हरे कृष्ण प्रभु, जय राधे प्रभु, जय राम जी की, भक्तों का अभिनंदन नहीं करना। भक्त आए तो उल्टा देख लो, पहले आप भक्त का अभिनंदन, उनका ग्रीटिंग करो, बाद में जो बातें चल रही हैं, जो कर रहे हैं वो करो, जारी रखो। वैष्णवाना अभिनंदति क्रंदति उपजायते न हर्षम, क्रोध करना वैष्णव पर, उपजायते न हर्षम दर्शने, वैष्णव का दर्शन होने पर हर्ष नहीं होना। वैष्णव जैसे हमारे प्रिय प्रियतमा प्रिय प्रिया मिलती हैं तो कितना हर्ष उल्लास, उससे भी ज़्यादा वैष्णव का दर्शन पर हमें हर्ष उल्लास होना चाहिए। उपजायते न हर्षम दर्शने पतनानि सत,
पतन ये सट छह अपराधों से पतन हमारा पतन होता है। कहाँ पतन होता है? ये दूसरे श्लोक में लिखा है जहाँ कहा है उनके पूर्वजों के साथ वो महारौरव नरक में वास करता है। महारौरव अकेला नहीं, उनके पूर्वजों के साथ महारौरव। तो ये फर्स्ट नाम अपराध हुआ। सेकंड ऑफेंस इज टू कंसीडर नेम्स ऑफ डेमिगॉड्स टू बी इक्वल टू इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, होली नेम ऑफ कृष्णा। भगवत नाम को देवी देवताओं के नाम के बराबर समझना या देवी देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना, ये नाम अपराध है। ये देवता अग्नि देवता भगवान को प्रार्थना करते हैं, हर देवी देवता भगवान को प्रार्थना करते हैं। देवी देवताओं की परिभाषा ही है विष्णु भक्त भवेत देवा। विष्णु का जो भक्त, कृष्ण का जो भक्त है वो देव है, और असुरीय से विपर्जय, जो उल्टे हैं विष्णु के भक्त नहीं है वो असुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना या तो गुरु को साधारण मनुष्य समझना, जैसे मैं हूं, मैं मरने वाला हूं तो ये भी मरने वाला है। नमर्त्य बुद्धि, मर्त्य बुद्धि गुरु में करनी। आचार्य माम विज्ञानियम नव मन्यत कर हचित, आचार्य मेरा स्वरूप मैं ही हूं मानो, और उल्टा का उसको दूसरा कुछ मत मानो। नव मन्यत कर हचित, उनको मैं ही हूं मानो। आचार्य माम विजानियम नव मन्यत कर हचित, उल्टा सुल्टा नव मन्यत कर हचित। नमर्त्य बुद्धि, उसमें मृत्यु लोक का है, मनुष्य है, इसी मृत्य बुद्धि मत करो। वो दिव्य गुरुदेव दिव्य है, साक्षात हरि गुरुदेव साक्षात हरि है। नमर्त्य बुद्धि असूय, उनकी कभी भी सुया द्वेष चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, मत्सरता नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक है मत्सरता है कि ये इनसे भी बड़ा मैं बनूंगा, भक्त बनूंगा, ये बनूंगा वो बनूंगा, दिल में आ जाता, लेकिन उनको मिटा देना चाहिए, वहाँ ही मिटा देना चाहिए। असूय सर्वदेव मयो गुरु, गुरु इज सम टोटल ऑफ ऑल डेमिगॉड। गुरु को सामान्य मनुष्य समझना या उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना। और चौथा अपराध है शास्त्रों के प्रमाणों का खंडन करना, वैदिक शास्त्रों का खंडन करना। जैसे कि प्रभुपाद जी टोरंटो आए थे, मैं वहाँ था मौजूद, संडे फीस दे रहे थे, बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं एनी क्वेश्चन, शांत, सब शांत हो गए। और एक इंडियन सदस्य थे, एक भारतीय व्यक्ति थे, उन्होंने कहा यस, महाभारत में लिखा है कि भीम कई मण लड्डू ये बकासुर को मारने गया तो कई मण लड्डू खा गए भीम, तो ये कैसे हो सकता है? शास्त्रों का खंडन किया ना उनने, तो प्रभुपाद जी आग बबूला हो गए, यू रास्कल यू डोंट नो व्हाट स्क्रिप्चर्स आर, यू डोंट हैव अ फेथ, यू डोंट। प्रभुपाद ने ब्लास्ट किया उनको, बहुत ब्लास्टिंग की। लिखा है भीम ने इतने मन लड्डू खाए, नो क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, शास्त्र इज एब्सोल्यूट, शास्त्र ध्रुव सत्य है,
ध्रुव सत्य, उसमें कोई डाउट नहीं होना। तो शास्त्रों के प्रमाणों का खंडन करना और बाद में हरे कृष्ण महामंत्र की काल्पनिक समझना कि तो बूढ़े लोगों को और जिनको कुछ काम नहीं उनको बिजी रखने के लिए ये शब्द जोड़ दिए हैं। बोलते रहो बिजी रहो। बहुत और सास बूढ़ी हो गई, सास तो कोने में बैठी रहे और बहू के साथ उनका पंगा ना हो। बूढ़ी 64 माला करती रहे, लंबा मंत्र दे दो उनको। काल्पनिक समय है ना, ऐसा होता है ना। इनकी बहू है, बहू की बहू है, इसलिए वो हंस रही इतना। बूढ़ी कोने में बैठी रहे और बहू स्वतंत्र। काल्पनिक समझ, उसके बाद का अपराध है अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद का आरोप हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर अर्थ लगाना। उनका अर्थ, सही अर्थ क्या है हरे कृष्ण मंत्र का? हे माय डियर राधा रानी, हे मेरी प्यारी प्यारी राधा रानी, डियर राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण की दिव्य सेवा प्रदान कीजिए, ये इनका अर्थ है। हे राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण की दिव्य सेवाओं में प्रवृत्त कीजिए। प्रवृत्त कैसे हूं ऐसा कुछ ज्ञान ध्यान दो। राधा रानी को ये प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र, ये प्रभुपाद जी ये अर्थ करते हैं। जीव गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, कहीं हमारे आचार्य इनके ऊपर अर्थ, क्या उनका अर्थ है दिया है, कभी बात करेंगे। लेकिन आज हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ क्या है? हे राधा रानी, मुझे श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा में प्रवृत्त करो, मुझे दो प्रेममयी सेवा, ये अर्थ है। और दूसरा जो भी अर्थ आप करो, अर्थवाद का आरोप है। एक्सेप्ट अवर आचार्य, अपने आचार्यों ने जो अर्थ दिया है अलग अलग वो सही है। उनके तीन बीज हैं हरे कृष्ण एंड राम, प्रभुपाद जी कहते हैं। तो अर्थवाद का आरोप करना और हरे कृष्ण महामंत्र के बल पर पाप करना, एक नाम में आपकी अनंत कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने की शक्ति है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति, एक नाम, ये चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, एक नाम में हमारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करने की शक्ति है। तो मैं इतना पाप कर लूं, कौन देख रहा है, मैं कोने में हूं अकेला हूं, इतना थोड़ा सा कर लूं, ये अपराध, बहुत बड़ा अपराध, नाम अपराध है। तो नाम के बल पर पाप करना और नाम को कर्मकांड की तरह, एक वैदिक कर्मकांड की तरह उनको फ्रूटिव समझना, उनको लाभदायी समझना कि मैं हरे कृष्ण मंत्र करूँगा तो वरम देही रूपवती भार्याम देही। प्रभुपाद जी कहते हैं हर पुरुष की भार्या उनके लिए रूपवती ही होती है, चाहे कदरूपी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं तो मुझे रूपवती भारिया मिल जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, रंभा मिल जाए, उर्वशी मिल जाए, सोमरस मिल जाए, नंदन वन मिल जाए। ये पार्क है, स्वर्ग लोक में पार्क है, नंदन वन सुंदर पार्क है जहाँ सब देवी देवताएं
देवियों के साथ देवता, देवता के साथ देवी, स्पेशली देवी तो नहीं, अप्सराएं, अपनी देवी घर, और नंदन वन में सब अप्सराएं है ना, गलबाई जो भी करते हैं, लेकिन सोमरस नहीं। ये वैदिक कर्मकांड के समान हरे कृष्ण महामंत्र के जप का महिमा समझना, ये नाम का अपराध है। और अश्रद्धालु को, नौमा, अश्रद्धालु को नाम के जप क्या, हाँ महिमा शब्द याद रखना, नाम का उपदेश करना ही चाहिए। सोलह माला करो, नाम जप करो, उपदेश करना ही चाहिए, लेकिन उनकी इंटीमेट ग्लोरीज, परम महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। परम महिमा, इंटीमेट ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, नाम का उपदेश करना चाहिए, नहीं तो कैसे उनका उद्धार होगा। लेकिन इंटीमेट ग्लोरीज का उपदेश नहीं करना चाहिए, महात्म्य, नाम महात्म्य। जैसे हरिदास ठाकुर नाम चिंतामणि, इंटीमेट ग्लोरीज। और दसवां अपराध है भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भौतिक आसक्ति बनाए रखना। और इट इज ऑल्सो एन ऑफेंस टू बी इन अटेंटिव वाइल चैंटिंग हरे कृष्ण माया मंत्र। दोज डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हु क्लेम्स टू बी वैष्णव must guard against these 10 offenses in order to quickly achieve the desired success and goal of life, which is Krishna prem. Bhautik asakti banaye rakhna. Bhautik asakti ka arth hai jo bhi 8 cheezon ki bani hui hai, prithvi, jal, tej, vayu, akash, man, buddhi, ahankar, ye 8 cheezon se bani hui koi bhi cheez में आसक्ति रखना, उनको बोलते हैं भौतिक आसक्ति। स्पेशली हनी एंड मनी, कांचन एंड कामिनी, उसमें आसक्ति रखना, उनको बोलते हैं भौतिक आसक्ति रखना। प्रभुपाद जी के, प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपराध पर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो एक जान निकली नवदीप से मायपुर जाने के लिए, जान निकली तो वहां तो बोट में बैठना होता है, तो बोट में बैठ गई जान, जान समझते हो ना, वर राजा की जान, नहीं समझते, जान नहीं समझते, बरात, बरात जी, बरात आएगी ना, नहीं आएगी, जान, गुजराती में जान बोलते हैं, है ना, गुजराती है कोई, है नीता, जान बोलते हैं ना, कौन, हाँ बोला, दूसरा कोई और बोला, आप जान बोलते हैं। एक सुंदर जोक था एक न्यूज़पेपर में ये जान के बारे में, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ऑफ ट्रैक है, ऑफ ट्रैक, ट्रेन, ट्रेन थी, ट्रेन, और ट्रेन में जान बैठ गई, जान मतलब बारात बैठ गई, और वर राजा घोड़े ऊपर सवार होके गाड़ी पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आ रहा है, तो आ रहा है इतने में गाड़ी, तो वह राजा गाना गा रहा है, फिल्मी गाना, फिल्मी गाना है, ये देखो मुझे, इनको याद है, देखो वासुदेव को अभी तक याद है, इनकी जान यहाँ बैठी है, फिर भी इनकी जान यहाँ बैठी है, फिर भी कहते हैं छोड़ के जा रही है, कहाँ छोड़ के जा रहे भैया, देखो कितना बड़ा अपराध है, अपराध, अपराध है, वासुदेव अपराधी है,
श्यामा के। जान बरात। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जान बैठ गई बोट में और जो एंकर बोलते हैं ना, एंकर को क्या बोलते हैं, लंगर, लंगर, तो लंगर निकाला नहीं और वो बोटमैन रोरिंग कर रहा, पतवार चला रहा है ना, पतवार चला रहा, लेकिन एंकर नहीं निकाला, लंगर नहीं निकाला, लंगर है लगा और वो पतवार से बोट चला रहा। तो सुबह देखा कि हम तो वहाँ नवदीप वहाँ का वहाँ है और जान गए नहीं, हमने लगे शादी हुई तो वो एंकर नहीं निकाला। इसीलिए तो एंकर है आसक्ति, भौतिक आसक्ति, और हम हरे कृष्ण हलेसा मार रहे हैं, है ना, हलेसा बोलते हैं, क्या बोले, पतवार, हरे कृष्ण का पतवार चल रहा है, लेकिन भौतिक आसक्ति का एंकर वो लंगर नहीं निकाला। तो फिर प्रेम जागृत नहीं होगा, भगवत प्रेम जागृत नहीं होगा। भगवान नाम जप करने से भगवत प्रेम जागृत होता है हमारे हृदय में। वो भौतिक आसक्ति अगर एंकर बनाए रखेंगे हम, प्रेम जागृत नहीं होगा।